उत्तर प्रदेश में प्रत्येक शनिवार और रविवार को मिनी लॉकडाउन का असर शहर भर में देखने को नहीं मिल रहा है। शहरवासी लगातार लॉकडाउन तोड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने सिर्फ जरूरी वस्तुएं जैसे दूध और दवाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। परंतु इसी अनुमति को दरकिनार करते हुए शहर के कुछ हलवाई भी इस लॉकडाउन का फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारुति स्टेट चौराहे स्थित स्वीट्स की दुकान की, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इसके बावजूद भी स्वीट्स मालिक की दुकान खुली हुई है। हाँ जी, हरीश शर्मा। किस नाम की दुकान है आपकी? हिंदुस्तान डेयरी स्वीट्स। सर बिल्कुल बंद है दुकान, तो ठेका खुला है, दुकान है मिठाई की बंद है, कोई नहीं खुल रही है दुकान। नहीं बिल्कुल नहीं कर रही है। नहीं, मैंने खोला है तो मेरा डेयरी का ही काम है। मिठाई विक्रेता ने जैसे ही मीडिया कर्मियों का कैमरा देखा, दुकान का शटर गिरा दिया और कुछ देर बाद पुनः शटर उठा दिया। साथ ही शहर के कुछ लोगों में आपकी दुकानों को खोलने की अनुमति को लेकर आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने भाजपा सरकार को दारूबाजों की सरकार कहकर संबोधित किया है। 55 घंटे का लॉकडाउन आप घोषित कर देते हैं, आवश्यक वस्तुओं के बारे में आप बता देते हैं, बाजार से सब्जी नहीं खरीद सकते आप, बाजार से राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन आप पीने के लिए दारू जरूर आप खरीद सकते हैं। यानी कि हमारे जो देश की जो सरकार है, अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से तय हो चुका है कि सरकार सिर्फ दारू के ऊपर चल रही है, इस देश का भविष्य सिर्फ शराब के ऊपर है। ये कैसी विडंबना है, ये देश किस दिशा में जा रहा है। एक तरफ आप राम की बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं राम राज्य आएगा, और एक तरफ मदरापान की आप बात करते हैं, देश में खुली छूट देते हैं और लाइनें लगा करके आप दारू का जो आवंटन कराते हैं। ये इससे ज्यादा निंदनीय कुछ दूसरा हो नहीं सकता। शराब की बिक्री पर लॉकडाउन ही नहीं, कई राज्यों में शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच पूरी तरीके से फिर सरकार से मांग करता है कि सरकार को पूरी तरीके से सरकार को शराब के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। जो उन्होंने निर्णय लिया है कि इसमें आवश्यक वस्तुओं में से सम्मिलित किया है, इससे ज्यादा घृणित कार्य कोई दूसरा हो नहीं सकता। अब देखना ही हुआ कि अन्य व्यापारियों की दुकान बंद कर शराब की दुकान लॉकडाउन में खोलना कितना उचित साबित होता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। 7 इंडिया न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।